हम में से अनेकों ने परमपूज गुरु महाराज के समय के साधकों का जीवन देखा है। एक चीज जो हमें सबसे अलग दिखाई देती है वो थी उनकी सरलता। जैसा परम पूज्य बड़े भैया ने बतलाया है कि ये जो सत्संग है वो आत्म संयम और आत्म उत्थान का रास्ता है, यानी अपने खुद के उत्थान का। तो ना तो यहाँ पर दूसरों को सुधारना है, ना दूसरों से सत्संग में सहयोग की अपेक्षा रखनी। परम पूज्य गुरु महाराज ने कहा कि अपनी साधना को छुप कर करना, दिखावा नहीं करना, कोई नया वेश नहीं बनाना। आप देखें कि जो जनेऊधारी होते हैं वो उसको अपने शरीर पर धारण करते हैं और उसको वस्त्रों में छिपा लेते हैं, लेकिन उसकी पवित्रता का पूरा ख्याल रखते हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा कि ना तो कोई अलग वेश बनाने की ज़रूरत है, और अगर तुम दिखावा करोगे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो पहले पहले तो सब मजाक उड़ाते हैं और घर वाले वहाँ जाने से रोकते हैं कि ये सत्संग में चला गया तो सन्यासी बन जाएगा, फिर हमारी सेवा कौन करेगा। और अगर बाद में उन्हें लगता है कि आप में महात्माओं के गुण आ गए हैं तो वो आपकी तारीफें कर कर आपको अहंकार में फंसा देते हैं। जरा सी शक्ति प्राप्त होने पर अगर आपने करामाते दिखाने लगे तो सब लोग खिदमत के लिए घेर लेते हैं, लेकिन खुदा से दूर कर देते हैं। तो जैसा हम कल सुन रहे थे कि जब भी दो पुराने सत्संगी मिलते थे तो आपस में गले मिलकर उनके आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते, और हम देखते थे कि जैसे गुरु महाराज ने कहा है कि नानक नन्हे हो रहो, दोनों लखनवी अंदाज में एक दूसरे को ऊंचा आसन देना चाहते थे कि पहले आप अंदर जाएं फिर मैं आपके पीछे पीछे। तो यही सरलता भक्त का सबसे बड़ा आभूषण होता। जब हमारे मन से काम क्रोध मद लोभ और अहंकार का पर्दा हट जाता है तब सरलता हृदय में आ जाती है, फिर मान अपमान और कटु वचनों से वो साधक उद्दीन नहीं होता और वो संभव में रहता। परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया कि यह सरलता, नम्रता, सेवा भाव, सहनशीलता ये संतों के गुण। मैंने परम पूज्य गुरु महाराज और परम पूज बिहारी जी, परम पूज वंश बाबू के अलावा करीब करीब सभी महापुरुषों के जीवन को पास से देखा, और मैंने देखा कि ये सभी
उच्च कोटि के महापुरुष होते हुए भी कभी अपने लिए ना तो विशेष आसन की इच्छा रखते थे, ना कोई विशेष व्यवहार की। परम पूज बिहारी जी, परम पूज वंश बाबू, परम पूज मालिक जी और गुरु जी सब जो जहाँ बुला लेता था वहाँ पर स्वयं अपना सामान उठाकर 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल जाकर उसके घर पर सत्संग करके आते। और वो पूछता था कि पूजा के लिए क्या चाहिए, तो वो बोलते थे कि दरी भी है, चित्र भी है, अगरबत्ती भी है, प्रसाद भी है, तुम तो बस बैठ जाओ। और उन्होंने मिशन की ऐसी सेवा की, और जैसा कलम परम पूज डॉक्टर साहब से भी सुन रहे थे कि वो रिक्शे में बैठकर लाउड स्पीकर से लोगों को प्रेरित करते थे। तो जैसा अभी हम परम पूज संजीव भैया से सुन रहे थे कि जब जीव नचिकेता की तरह आत्मा को जानने की कोशिश करता है, तो यमराज की तरह उसको अनेकों प्रलोभन दिए जाते हैं कि तुम तीनों लोक का राज प्राप्त कर लो, अमृतत्व प्राप्त कर लो। तो जब जीव उस माया में नहीं फंसता, तो जैसा यमराज ने कहा कि तूने इस संसार के सारे सुखों को ठुकरा दिया है, तो मैं तुझे इस आत्मज्ञान का अधिकारी मानता हूँ। तो जब हम साधना में आना चाहते हैं, सत्संग में आना चाहते हैं, तो हमें चारों ओर से रुकावटें मिलती हैं, और जो उन रुकावटों को ओवरकम करके यहाँ तक पहुँच पाते हैं, उन्हीं को भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता। आप देखें कि ये जो सारे गुण हैं, ये सारे गुण मन से संबंधित हैं, और जब मन पे पड़े हुए विचारों के पर्दे हटते हैं, तभी मन हमें ईश्वर की ओर, अनुराग की ओर ले जाता है। तो इसीलिए मन को हमारे इंद्रियों का राजा कहा गया, और मन को दोधारी तलवार बताया गया कि ये मन हमें संसार में फंसाता भी है, और ये ही हमें मुक्ति की ओर, ईश्वर की ओर ले जाता है। तो परम पूज गुरु महाराज ने जो हमें साधना दी है, वो सीधे इसी मन पे कार्य करती है, और मनोमय कोष की साधना है। जैसा अभी हम सुन रहे थे कि वैसे तो ये कर्म, उपासना और ज्ञान की मिलोनी है, लेकिन मुख्यतः यह उपासना की क्रिया है। इसमें उप आसन यानी सामने सम्मुख बैठकर साधना करनी होती है, अपने गुरु को साक्षात चैतन्य रूप में अपने सम्मुख रखकर यह साधना करनी होती है। जैसा कल हम परम पूज विश्वनायक जी से सुन रहे थे कि उन्होंने एक मौलवी साहब के मुख से सुना था कि जब मैंने खुदा को हाजिर नाजिर जाना,
तो मेरी दशा ही अलग हो गई। तो यही उपासना की क्रिया का अभ्यास अभी हम करेंगे, उसके लिए सब एक सुख आसन से बैठ जाएं, नेत्रों को हल्के से बंद कर लें और ऐसा ख्याल करें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है और हमारे हृदय में भर, हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता जा रहा है और धीरे धीरे हम उस प्रकाश में लय होते जा रहे। इस दौरान सत्संग की दो प्रार्थनाएं होंगी, जिन भाई बहनों को याद है एक स्वर से गाएंगे और जिन्हें प्रार्थना याद नहीं वो सीधे इसी ध्यान में लग जाए। जब यहाँ से परम पूज्य का आदेश हो तभी ध्यान भंग करें और नेत्र खोलें।